हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमानत, आप सभी का स्वागत है हमारा डी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये वाला हिंदी फंड देने वाला हूँ। आप देख सकते हैं जो पवन सिंह की पोस्ट में जो यूज किया हूँ मैं, ये वाला हिंदी फंड आपको देने वाला हूँ। और इस फंड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पासवर्ड मिलेगा चार स्टेप में आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड को आपको देख के इसको डाउनलोड करके अनजिप कर लेना है, और इसको किस तरह से लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, इस फंड को डाउनलोड करने के बाद इसका यूनिक कोड सबसे पहले आपको निकाल लेना है। तो यूनिक कोड पैड एप्लीकेशन में आ जाना है, उसके बाद आपको यूनिक कोड पैड में इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको शेयर के नीचे क्लिक करना है। शेयर के नीचे जो छोटा सा एरो दिखेगा उसको पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो फंड आएगा उस फंड को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो भी फंड रहेगा वो आपको फंड सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट आप यूनिकोड फंड में आ जाएगा। मैं सेलेक्ट नहीं किया, पहले से सेलेक्ट करके रखा है, इसलिए इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एल्बम का गाने का एल्बम का नाम लिख लेना है। गाने का एल्बम का आपको यहाँ पर नाम लिख लेना है। लिखने के बाद आपको यहाँ से कॉपी जहाँ लिखा है कॉपी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट पिक्सल लैब में आ जाना है। तो पिक्सल लैब में आने के लिए आप पिक्सल लैब में आपको आ जाना है। पिक्सल लैब को ओपन करेंगे, जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं पहले से एडिटिंग किया हुआ हूँ, तो इस तरह से मैं यहाँ पे देखिए पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद से देखिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, एडिट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर उस फंड को यहाँ पर कॉपी कर देंगे, इस तरह से एल्बम का जो नाम लिखा है वो कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद से आपको यहाँ पर फंड में आ जाना है। फंड में आने के बाद माई फंड में आना है। माई फंड में आने के बाद आपको फंड सेलेक्ट कर लेना है। फंड सेलेक्ट करके आप कुछ इस तरह से यहाँ पे फंड सेलेक्ट कर उसके बाद इस तरह से कर देंगे। यहाँ नीचे आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इस तरह से सेंटर में कर देंगे। उसके बाद इस यहाँ पे थोड़ा गैप दे देंगे इस तरह से, और इसका साइज जो रहेगा उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे इस तरह से। इस तरह से साइज को इसको हम यहाँ बड़ा कर देंगे, साइज को बड़ा कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इसको कलर करने के लिए आपको इस तरह से कलर करेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। आपको कलर में क्लिक करना है। कलर में क्लिक करके आपको यहाँ पे जो मजनवा लिखा है ऊपर का उसको आपको यहाँ पे ले लेना है इतना। उसके बाद इसमें वाइट कलर इस तरह से दे देना है, पूरा फुल वाइट। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर येलो कलर दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है शेडो में, यहाँ पे शेडो दे देना है। शेडो यहाँ पे ब्लैक कलर का दे देना है और इसको इनेबल कर देना है, और यहाँ से इसको यहाँ पे कम कर देना है थोड़ा, 3-4 पॉइंट तक रखेंगे। और नीचे आएंगे, इसको 2-3 पॉइंट कर देंगे, और इसको 1-2 पॉइंट इधर। उसके बाद कुछ इस तरह से कर देंगे। उसके बाद आपको इसको इनेबल करना है, और इसको यहाँ पर इनेबल कर देंगे, और इसमें आपको रेड कलर सेलेक्ट कर देना है। इस तरह से रेड कलर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद से कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखिएगा, इसको भी 1-2 पॉइंट हम इस तरह से कर देंगे, और नीचे भी इस तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एल्बम का नाम लिखा गया, और यहाँ पे क्लिक करके आपको इसको इनेबल कर देना है, और इसको थोड़ा इतना कर देंगे। बाकी यहाँ पे नीचे आपको पूरा फुल कर देना है, इसको भी फुल कर देना है, इसको भी फुल कर देना है, और इसको 0 कर देना है। इस तरह से कर देंगे, इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से बहुत ही मतलब अच्छा दिखने लगा। इस तरह से इसमें कलर कर देंगे इस फंड को, और इस तरह से फंड को लिख देंगे। उसके बाद से आप यहां से सेव कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊं। इसको यहां से सेव कर लेना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।